ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। गोरल नगर पंचायत में पेयजल संकट सहित गंदगी का अंबार है, जिसके समाधान के लिए राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गोरल नगर पंचायत में व्याप्त समस्याओं को लेकर विभिन्न वार्ड के रहवासी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नगर में फैली गंदगी और पेयजल संकट को लेकर कलेक्टर लीना मंडावी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भीषण गर्मी में 15 वार्डों में पानी की लगातार सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे पानी की समस्या से नगरवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। पाइपलाइन जर्जर होने से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे पीलिया और हैजा जैसी बीमारियों की संभावना बनी हुई है। वही नगर में कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। फिलहाल कलेक्टर ने नागरिकों की समस्या को जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। कलेक्टर मैडम को एक ज्ञापन दिया गया है। नगर में जनहित के जो मुद्दे हैं उसकी मांग को लेकर हम लोग गए थे, सर्वदलीय एक ज्ञापन दिया गया है। क्या क्या मांगे थी उसमें? उसमें सर प्रथम मांग तो ये थी कि अभी गर्मी की मौसम में पूरी पानी की व्यवस्था शहर की चरमरा गई थी, पंप इत्यादि जल जा रहे थे, उसका त्वरित निदान नहीं हो रहा था। जल कष्ट का पैसा शासन के द्वारा आवंटित किया जाता है। स्ट्रीट लाइट्स, अभी बरसात होने वाली है, स्ट्रीट लाइट्स पूरी बंद पड़ी हुई है। नाली से कचरा का निपटाने का विषय हो, इन सब विषय को लेकर हमें ऐसा लग रहा था कि पूर्णतः कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कलेक्टर के संज्ञान में सब गिरते। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।